ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, और अभी बज रहा है सुबह के फिलहाल 5:30, और इतने सुबह हम कहाँ जा रहे हैं? तो बेसिकली वी हैव अ स्मॉल शूट टुडे, हम जा रहे हैं शूट करने फॉर TVS AOG. नाउ AOG स्टैंड फॉर अपाचीज ओनर्स ग्रुप, सो पीपल हु हैव द अपाची सीरीज ऑफ बाइक्स फ्रॉम TVS, दे हैव अ ग्रुप, इट्स एन ऑफिशियल ग्रुप फ्रॉम TVS, एंड आई गेस दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप जो वेस्ट बंगाल में है विथ ओवर 7,000 प्लस मेम्बर्स. सो उनका ही आज ब्रेकफास्ट राइड है एंड वी आर गोइंग टू शूट दैट. सो लेट्स कंटिन्यू विद द डे. ओके तो अभी हम फिलहाल आए हैं कोई खाली मोड़, बिकॉज यहीं से हमारा पिकअप पॉइंट है, यहीं पे हमारा जो कार है, जो हमारा मीडिया कार है, वो यहीं से हमें पिकअप करेगा. तो ये ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, बस 3 किलोमीटर ही है. तो अभी मैं वहीं पर आया हूँ, यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं कितने देर में पिकअप वैन आती है. तो हमारा पिकअप कार आ गया है और अब चलते हैं. तो अभी हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे एंड दिस इज द शोरूम, और यहीं से आज की राइड स्टार्ट होगी. तो यहाँ पे रॉनिन और अपाचे दोनों ही कस्टमर साहब हैं, और यहीं से आज राइड स्टार्ट करेंगे. शुरू से एंड तक देखिए, ये राइड अलग ही होने वाला है. अभी ऑलमोस्ट सारे राइडर्स यहाँ पे आ गए, और यहाँ कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह का कुछ काम चल रहा है. वंस द रजिस्ट्रेशन इज डन, फिर यहाँ से राइड शुरू होगी. यहाँ रजिस्ट्रेशन चल रहा है. आप कर लिया रजिस्ट्रेशन? ओके ठीक है. तो अभी हम वेट करेंगे जब तक रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाए, उसके बाद ये राइड स्टार्ट होगी. और जो डेस्टिनेशन है आज का, आई गेस वो है कोलाघाट. मैं फिलहाल दानपुरी में इस शोरूम में, और यहाँ से कोलाघाट ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर दूर है. देखते हैं कितने देर में राइड स्टार्ट होती है और कितने देर में हम वहाँ पर. ओके तो अभी हम फिलहाल चला रहे हैं RTR 310, और ये बहुत ज़्यादा लाइक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एवर राइडिंग दिस बाइक, और बहुत ज़्यादा पावरफुल है. एक्चुअली मैं जो 310 सीसी का जो इंजन है, इसमें इट हैव वेरी गुड पावर. मैं जब गाड़ी को फर्स्ट यहाँ से निकाला तो मेरा ऐसा लग रहा था कि छूट जाएगा गाड़ी. जस्ट क्लच छोड़ा और एक्सीलरेटर देना, झाँ एकदम आगे बवाल. TVS ने ज़िंदगी में पहली बार एक अच्छा सा बाइक बनाया जो है RTR 310. गाइस अमेजिंग बाइक है, अमेजिंग. यहाँ से फ्लैग ऑफ होगा और ये पूरा लाइनअप है अपना, जितना भी अब दिख रहा है ये पूरा लाइनअप है. फ्लैग ऑफ हो गया और अभी हम लोग को जल्दी से गाड़ी में जाके बैठना है, एंड दिस इज आवर सेटअप. ओके तो हम निकल गए अभी. हेलो. तो हम निकल गए यहाँ से और ऐसे कुछ हम शूट करते हैं फिलहाल पीछे बैठ के. अभी तो रास्ता सिंगल लेन ही है, तो गली में ही आप जैसे ही हाईवे पे आएंगे तब सारा मेन काम शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे फोटो वीडियो लेने का उतना फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अप्रूव होता नहीं है कंपनी से. तो वंस वी गो ऑन द हाईवे हम अपना काम शुरू करेंगे. तो हमारा फर्स्ट हाफ का शूट ऑलमोस्ट हो गया है, और अभी हम आगे जा रहे हैं. देखते हैं अगर आगे कुछ इंटरेस्टिंग दिखा तो ही वापस कैमरा निकालेंगे, वरना आप सीधा कोलाघाट पहुंचने के बाद ही कुछ शूट करेंगे. और वापस आते टाइम तो वापस शूट होगा ही. फिलहाल धूप बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, कभी धूप आ रहा है कभी बादल आ रहा है, तो इसलिए कॉन्स्टेंटली कैमरा का सेटिंग चेंज करना पड़ रहा है. तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, ये कब से नोटिस कर रहे हैं. और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो कैमरा थोड़ा सा ओवरहीट हो रहा है, बट बाकी सब. ये हमारा ब्रेकफास्ट डेस्टिनेशन है एक्सप्रेस फूड प्लाजा, और यहाँ पे हमारा सारा बाइक लाइनअप पे लग रहा है, और यही आज का फाइनल डेस्टिनेशन है. इसके बाद तो हम लोग आ गए हैं एक्सप्रेस फूड प्लाजा, तो ये फाइनल डेस्टिनेशन है. यहाँ पर ब्रेकफास्ट रहेगा, जो एक्चुअल राइड का मेन थीम है ब्रेकफास्ट राइड. तो यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट अंदर चलते हैं. बाहर आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, और मेन थिंग इज़ दैट कि ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से और ज़्यादा फील हो रहा है.
इज द प्लेस। तो अभी फ़िलहाल वॉशरूम में आए हैं, अभी फेस वॉश किया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब जाके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और मिस्टर भंडारी गर्मी का पहला वाला शॉट देखिएगा, अभी वाला शॉट देखिएगा। तो यहाँ हम सब बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में आलू पराठा, साथ में दही। तो यहाँ हमने आलू पराठा ऑर्डर किया था, आलू पराठा में दही लिया है। और ये मैं यहाँ पे बहुत बार विज़िट किया हूँ, तो यहाँ का आलू पराठा बहुत ज़्यादा सही है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो अभी खाते हैं और फिर उसके बाद फिर वापस जाते, टाइम भी थोड़ा काम है। ओके, तो हमारा फाइनल शूट हो गया है, अब ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट है, बस अब जाके डेटा कॉपी करना है, वंस वी कॉपी द डेटा फिर उसके बाद हम निकलेंगे वापस घर की तरफ। तो फिलहाल हमने एक कार्ड का यहाँ पे डेटा कॉपी करने लगाया है और दो कार्ड बचे हुए हैं, इन सबको कॉपी करके और फिर हम निकलेंगे घर की तरफ। तो आज का जो हमारा अर्ली मॉर्निंग शूट था वो बेसिकली हुआ था ऑन द डे ऑफ वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे, और उसके लिए ही AOG टीम ने ऑर्गेनाइज़ किया था ये आज का अर्ली मॉर्निंग राइड, ब्रेकफास्ट राइड था। और अभी फ़िलहाल हम रेडी हो गए हैं और हम सभी जा रहे हैं मूवी देखने। और मूवी दो ऑप्शंस हैं हमारे पास अभी, एक चंदू चैम्पियन लगी और एक मुंजिया। तो इन दोनों में से देखते हैं कौन सा अच्छा है, जो भी अच्छा लगेगा। बहुत तगड़ी हाइप हो रही है तो वही देखने कैसी है। हाँ, तो किसकी टिकट्स अवेलेबल रहेगी उस हिसाब से हम जाके वहाँ पे देखते हैं। तो अभी फिलहाल निकल रहा है मूवी के लिए। हाँ, वैसे हम लोग बहुत ज्यादा लेट चल रहे हैं, 4 बजे का शो है भाई और हम बज रहे हैं 3:58 मूवी देखने आए हैं। और ये एक नया हॉल है, हम मैं पहले तो हम मूवी देख के अभी बस निकले हैं। और मूवी के बारे में अगर मेरे को कुछ एक वर्ड बोलना होगा, देन इट्स अ ओवररेटेड मूवी, दैट्स द थिंग आई सी। ओवररेटेड मूवी है, बच्चों के लिए बनी है और जितने भी रिव्यूज वगैरह थे सब फेक थे। बचपन में जो भूतनाथ थी ना, वो इससे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल मूवी थी, दिस वाज कंप्लीटली लॉजिकल। हाँ, एक एक चीज का क्या, हॉरर में आप लॉजिक नहीं लगाओगे, ऑब्वियसली सोच के जाते हैं, बट ये बेसिक से बेसिक चीज़ में भी लॉजिक खत्म हो रहा था, तो इसलिए मूवी से वो फील हुआ ही नहीं, ऐसा लगता बच्चों की कोई फेरी टेल वाली मूवी देखी। और हॉल भी कोई देना, कौन सा हॉल है, मिराज का ही है, न्यू टाउन वाला नहीं, सॉल्ट लेक, ये मिराज का न्यू सॉल्ट लेक वाला कोई हॉल पर नया है तो अच्छा होगा। नहीं, यहाँ पे पहले और मोटे मोटे अक्षरों में यही है कि मैं देख के लग रहा है कि पैसा वेस्ट हो गया। हाँ, यहाँ पे पहले कार्निवल सिनेमा था, वो अभी बंद हो गया, तो वही मिराज ने कुछ बस सीट वेट वगैरह बदल के उसको ठीक कर दिया। बाकी स्क्रीन क्वालिटी बहुत बुरी थी, प्रोजेक्शन भाई को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, जैसे रिव्यू जितने की रिव्यू दे रहे हैं। नहीं नहीं, जेन्युइनली उतना पैसा लिया, मतलब ऐसा भी नहीं था कि प्राइस कम था, 200 रुपए की टिकट थी, तो नॉर्मली जितना हॉल का रहता है उतना ही था। और इतना छोटा हॉल, इतना कम क्वालिटी, तो एक मेंबर मिसिंग है फॉर सम रीजन, फॉर सम पर्सनल रीजन, बट कोई बात नहीं, हम मिस नहीं कर रहे हैं बहुत। शादी हो रही है,
आइटम हमारा चीज मैगी, सौभाग्य ने मंगाया तो टेस्ट करके तू ही बता कैसा है। ट्राई इट, वाइड में करने दे। हाँ क्या सीन आ रहा भाई, बता। अबे जल्दी बता, पनवेल में ये बहुत ही खतरनाक रिव्यू है, कंट्रोवर्सी वाला। अच्छा लेकिन कुछ स्पेशल नहीं है, तू बता भाई। कॉलेज के बाहर मिलता है, आ जाइयो खिला दूंगा। तू बता भाई, तू घर ये नोटी आदमी है। नहीं नहीं तो चीज मैगी थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहता है, खास में लिक्विड ही ज्यादा है, फिर वो चीज का फ्लेवर होता है। गाइस ये देखो गाड़ी, इतने देर से मेरे को लगी कि स्विफ्ट खड़ी है, पर पास में आगे देखो तो BMW। और हमारी भी गाड़ी सेम ही है, कोई बात नहीं, बस लोगो अलग है। ये अगला दिन है और मैं ब्लॉग को एंड करना ही भूल गया जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मेरे बालों को इग्नोर करना, इसमें तेल लगा हुआ है। So that's all for today's video. I hope you like it. Don't forget to like, comment and subscribe to this channel. Milte hain agle vlog mein. Bye.